मोटिवेशन ले लो, मोटिवेशन 10 की दो मोटिवेशन। आजकल मार्केट में बहुत बिक रही है मोटिवेशन, तो सोचा मैं भी बेच लूं। सेल्स पर्सन भी है मेरे पास। तो मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। कल मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर अंकल को सुना। He was talking about how to be successful in your life and I was so motivated by his words. फिर मैंने उनका नाम गूगल किया, पता नहीं क्यों एरर 404 दिखा रहा है। आजकल के बच्चों को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है टू गेट देयर थिंग्स डन। हमारा तो भाई साहब सुबह से गाली से काम चल जाता है, और पीटीएम से ज्यादा मोटिवेट तो आज तक मुझे किसी चीज ने नहीं किया। सबके सब यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे बता रहे हैं कि हाउ टू बी सक्सेसफुल। पहले लोग सक्सेसफुल होते थे फिर स्पीकर बनते थे, और अब पहले लोग स्पीकर बनते हैं फिर सक्सेसफुल होते हैं। वैसे सक्सेसफुल लोग तो कॉमेडी कर रहे हैं लाइक इलॉन मस्क, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी। वेल डन। जिन्होंने एग्जाम में कुंजी के सहारे पास किया वो भी बोल रहे हैं हाउ टू क्रैक एनी एग्जाम सक्सेसफुली। या जिनकी लाइफ में एकमात्र उपलब्धि भी मिसिंग करना है वो भी बोल रहे हैं हाउ टू विन। अरे भैया पहले खुद तो जीत लो, बाद में लोगों को गाइड कर लेना। तो हे गाइस स्वागत है आप सबका, तो आइए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो मैं हूं देविका गुप्ता, और अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, बड़े मजे करते हैं, सही बता रहे हो। सो गाइस दिल दाम के बैठी है क्योंकि आज हम मोटिवेट होंगे। एक गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को चैलेंज दिया कि हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे अच्छा 24 घंटे के लिए। क्या तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो कि अगर तुमने ये चीज कर ली ना तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम मुझसे बहुत बेइंतहा वाला प्यार करते हो। लड़के ने कहा कि ठीक है। 24 घंटे के बाद जब लड़का सामने आया अपनी गर्लफ्रेंड के, बोलता कि बेबी मैंने कर दिया। वो जैसे घर के अंदर एंटर करता है वो देखता है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड थी सिर्फ उसके पास 24 घंटे थे, कैंसर से लड़ रही थी वो, और वो इस दुनिया से जा चुकी होती है। नो नो नो। और उसके हाथ में एक नोट होता है और उस पर लिखा होता है वेल डन बेबी, तुमने कर दिया, अब तुम्हें पूरी जिंदगी भर करना है। कुछ प्यार सच्चे भी होते हैं। Emotional damage. मेरा टिश्यू पेपर खाए, आंसू आ गए यार मेरे तो, इतनी घटिया कहानी सुन के। बॉयफ्रेंड था या चोमो जो उसको पता ही नहीं चला कि उसकी गर्लफ्रेंड को कैंसर है, यहाँ मुझे जुखाम हो जाए तो मोहल्ले भर को पता चल जाता है, और सच्चे प्यार में इनको कैंसर का पता नहीं चल रहा। बताओ यार कोई सेंस है इस बात की? और अगर प्यार झूठा होता तो लड़की की एग्जिस्टेंस का ही पता नहीं चलता शायद। और मुझे समझ में नहीं आता कि स्पीकर्स की स्टोरी में लड़की मरी ही क्यों जाती है। मतलब लड़की जब तक मरेगी तब तक सिद्ध नहीं होगा कि अरे यार ये तो सच्चा प्यार था। बस 3 दिन दो, 3 दिन का इंतजार करो, कोई कॉल मत करो, कोई टेक्स्ट मत करो, कुछ भी नहीं। और अगर वो वापस आया फिर तो देखो, उसे पता है कि तुम उसके पीछे पागल हो, और वो भी सोचता है कि ठीक है मेरे पास ही तो है, ऐसे उसे ट्रीट करता हूं जैसे मेरे मन में है। पर एक बार अगर 3 दिन के लिए उससे अलग हो जाती हो तुम, वो जो तुम्हारी आदत उसे डेली की डली हुई है वो आदत अगर कम पड़ जाती है तो वो फील करेगा उस चीज को कि तुम्हारे बिना वो क्या है। और अगर वो 3 दिन बाद वापस ना आया तो यार तुम भी उस इंसान के पास वापस क्यों जाना चाहती हो जिसे कदर ही नहीं है, जिसे फिक्र नहीं है तुम्हारी, जिसे वैल्यू ही नहीं पता तुम्हारी। बात 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 आशिकी की मोटिवेशन दे रहे हैं। जिस प्रकार फीवर चेक करने के लिए थर्मामीटर होता है उसी प्रकार प्यार चेक करने के लिए 3 थर्मामीटर होता है, ऐसा इनको लगता है। प्यार की ऐसी ऐसी अग्नि परीक्षा बना दी है ना लोगों ने कि अब कपल्स भी सोचते होंगे यार हमने ये वाला टेस्ट नहीं किया, हमारा प्यार सच्चा तो है ना। वेल डन। भाई और बहनों 1000 साल पहले की बात, एक माँ होती है जो बहुत गरीब होती है, उसके 4 बेटे होते हैं जो अपनी माँ की तरह ही गरीब होते हैं। कुछ सालों बाद माँ बूढ़ी होकर इस दुनिया से चली जाती है, फिर उस दिन बेटे प्रण लेते हैं कि हम अमीर होके रहेंगे। कुछ साल बीतते ही धीरे धीरे करके बेटे भी सब मर जाते हैं। तो मैं बस इतना कहना चाह रही थी कि मेहनत वेहनत सब धोखा है, आलस कर लो अभी भी मौका है। कोई सेंस था इस स्टोरी का? नहीं ना, तो उनके वीडियोस का भी कौन सा होता है। सही बात है। अगर आप फेल हो जाते हो अपनी जिंदगी में किसी ना किसी मोड़ पर तो मेरे दोस्त हार मत मानना, इसका मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। एंड भी एंड नहीं होता, एंड का मतलब होता है एफर्ट नेवर डाइज। किसी ने अगर आपको नो बोल दिया, मना कर दिया, तो याद रखना नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही जाओगे आगे। ओ बाल को खुश हो जाओ, भैया ने मोटिवेट किया है। अगर ओसो को हम 320 पिक्सल में देखेंगे तो हमें संदीप महेश्वरी दिखेगा, और संदीप महेश्वरी को 144 पिक्सल में देखेंगे तो हमें यही लोग दिखेंगे। कुछ ऐसा होता है लड़कियों के साथ अपने पीरियड्स के टाइम पर, फेवरेट फूड की क्रेविंग्स होना और फिर वो खाना और उस वजह से वेट गेन होना। कभी कभी पीरियड्स पेन इतना ज्यादा हो जाता है जैसे आपकी मौत नजदीक हो। व्हेन समवन आस्क्स हर अबाउट हर क्रैम्प्स, जब उनके दर्द के बारे में उनसे कोई बात करे तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। उस टाइम पे उन्हें समझना है, उनके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, बहस नहीं करनी है, वरना पक्का ब्लॉक हो। वो अकेले इतना दर्द सहती है और फिर भी उनके चेहरे पे एक स्माइल होती है। लड़कियों के साथ रूड मत होइए,
आपको नहीं पता कि किस दस से जूझती है वो। भाई साहब ये बंदा लव एक्सपर्ट है, टोटी है, सन स्पीकर है पूरा, और अब पीरियड्स एक्सपर्ट भी है। वैसे लड़कों का फेवरेट टॉपिक ही हो चुका है पीरियड्स। भाई साहब कोई हमसे भी पूछ लो क्या होता है, या अपने एक्सपीरियंस को हमारा एक्सपीरियंस का नाम दिए जा रहे हो। लड़की को पीरियड्स में बस केयर, लव और काइंडनेस चाहिए होता है यार, और ना भी मिले ना तब भी हम झेल लेते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग है हम। अपार्ट फ्रॉम जोक, चलो इन्होंने ये तो बता दिया कि लड़कियां पीरियड्स में क्या डिजर्व करती है, बट यार मेरे पड़ोसी को 2 महीने से बवासीर है, प्लीज बता दो वो क्या डिजर्व करता है। आज आप जेल में नहीं है, आज आप हॉस्पिटल में नहीं है, आज आप मरे नहीं है, आज आपके खाने के लिए 2 वक्त की रोटी है, आज आपके घर के ऊपर एक छत है, तो जब ये 5 चीजें अवेलेबल है तो 5 सेकंड निकाल के ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर दो मेरी जान। 5 चीजें कंप्लीट करनी थी तो कुछ भी घुसा दिया। Nice. Literally, it's like if you are having oxygen, be grateful. If you are having chai, be grateful. If you go to washroom, be grateful. If you are grateful, be grateful. And try to be grateful. यार कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी मोटिवेशन के नाम पे। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। अगर आप डेली सुबह 5 बजे उठते हो तो कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में। थोड़ा मुश्किल होगा इस टाइम उठना, पर उठोगे तो सब्जी वाले की आवाज, मोहल्लों में बच्चों की आवाज, खुद को टाइम दे पाओगे, ज्यादा कॉल नहीं आएगी। नॉर्मल लाइफ जीने वालों से डेली 3 घंटा एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। अच्छा, और 30 दिन में ये 90 घंटे हो गए, और 1 साल में 1080 घंटे हो गए, तो साल में 1 से 1.5 से 2 महीने आपको फालतू मिल जाएंगे नॉर्मल लोगों के कंपेयर। कोई समझाओ भैया को, लाइफ है गणित की क्लास नहीं जो कैलकुलेशन कर रहे हैं बैठ करके। मेरे दोस्त ने अप्लाई किया था फॉर्मूला उसकी जिंदगी में, बेचारा नाइट ड्यूटी में भी सुबह 5 बजे उठ जाता है, और अब उसकी शक्ल नहीं सिर्फ डार्क सर्कल दिखते हैं। देखो भैया, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अडल्ट्स को 1 दिन में 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। ऐसे किसी मोटिवेशनल स्पीकर के कहने से एडमिट होने की हालत में ना जाना तुम, सबका अपना अपना शेड्यूल होता है, समझे। एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक आलू होता है और एक भिंडी होती है, तो ये जो आलू है ना ये इस भिंडी से बहुत प्यार करता है। आलू एक दिन भिंडी के पास जाता है और कहता है भिंडी आई लव यू। भिंडी को आता है बहुत तेज गुस्सा, वो कहती है मैं तुझसे शादी करूंगी, तुझसे प्यार करूंगी, तू सारा मोटा सा गेंडा सा, और मैं मुझे देख इतनी सुंदर सी पतली सी सेक्सी सी। आलू का उस दिन डेट हो गया था, और उसके बाद वो इतनी सब्जियां पटाता है, इतनी सब्जियां पटाता है कि पूछो मत। मतलब देखो, आलू गोभी, आलू प्याज, आलू बैंगन, आलू टमाटर, आलू पालक, आलू गोभी, हर चीज में आलू आलू। हमारी भिंडी आज तक अकेली घूम रही है, तो समझे क्या, जीवन में अगर अपनी सुंदरता का ज्यादा गुरूर, ज्यादा एटीट्यूड दिखाया ना, तो जिंदगी भर अकेला ही रहना पड़ेगा। है जी, एक मिनट हंसने दो पहले। वाह मेरे शेर, क्या मोटिवेशनल स्टोरी सुनाई है, मैं 10-12 लोगों को और इग्नोर करूंगी। गजब लोग हैं अपने देश के, हर चीज में इनको लव स्टोरी जरूर चाहिए, क्योंकि रियलिटी में तो लव स्टोरी नहीं क्राइम पेट्रोल का एपिसोड बनता है सीधे। बाय द वे, आलू भिंडी प्याज का भुजिया नहीं देखा लगता है भैया ने। खैर कोई बात नहीं गाइस, आप लोग मोटिवेट हो जाओ। एक बात बताओ, जब किसी दुकान पे आप कोई ताला खरीदने जाते हो तो क्या वो दुकानदार आपको सिर्फ ताला देता है या ताले के साथ कोई चाबी भी देता है? चाबी भी देता है। एग्जैक्टली सेम इसी तरह, जब ऊपर वाला आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम देता है तो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं देता है, प्रॉब्लम के साथ एक सलूशन भी देता है। जरूरत है तो थोड़ा सब्र रख के उस सलूशन को ढूंढने की। एग्जैक्टली भैया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, और इस हिसाब से तो ताले वाले को आपको सिर्फ ताला देकर के चाबी कहीं फेंक देना चाहिए, और आपको बोलना चाहिए जा भाई ढूंढ ले, ताला दे दिया ना मैंने तुझे, अब जा चाबी ढूंढ। क्योंकि अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो गाइस आपको सलूशन भी ढूंढना पड़ेगा। ये कुछ बेसिक मैनर्स हैं जिन पर हमको ध्यान देना चाहिए। किसी को सीजर या नाइफ पास कर रहे हो तो शार्प वाली चीज को उसकी तरफ ना करना। किसी से पावर बैंक उधार लिया है तो उसे फुली चार्ज करके देना है। किसी की बाइक या कार लिया है तो उसमें पेट्रोल डलवा के देना। किसी के घर के बाहर गए तो 2-3 बारी नॉक करने के बाद 10 से 15 सेकंड रुकना और दोबारा नॉक करना। अगर आपको छींकना है तो अपना हाथ अड़ा के यहाँ पे ऐसे छींके, ना कि सब में वायरस फैला दे। किसी के घर में जा रहे हो तो चेयर और सोफे पे बैठना सही लगता है, यानी आलती पालती मार के लेट गए उनके बेड। जितना भैया को देखो उतना ही बड़ा इनका रिज्यूम होता जाता है। अभी भैया हमारा मोरल साइंस के टीचर बने हैं। सोशल मीडिया आने के बाद लोगों का IQ ज्यादा गिर गया लगता है। ये चीजें भी यूट्यूबर को बतानी पड़ रही है, माँ बाप परमानेंट छुट्टी में चले गए हैं। गुड गर्ल बैड गर्ल के बाद मार्केट में प्रस्तुत है गुड बॉय और बैड बॉय। ये 2 तरीके के मर्द होते हैं, एक वो जो लड़की के प्यार के लिए अपने माँ बाप की इज्जत को डुबा दे, और दूसरा वो जो अपने माँ बाप की परवरिश को याद करे और अपने प्यार को बांधे। एक वो जो कहता है कि यार मेरे बाप ने मेरे लिए किया ही क्या है, और एक वो जो बोले कि मैं कितना खुश नसीब हूँ जो मुझे ऐसे पिता मिले। वैसे इनको लोगों को हाउ टू बी अ बेटर पर्सन बताने से पहले गूगल पे सर्च कर लेना चाहिए हाउ टू मेक अ बेटर कंटेंट। जो ये कर रहे हैं इसे प्लेजरिज्म कहते हैं। महंगा वर्ड है ना, मैंने भी अभी सीखा है। वेल डन। 2 तरीके के लोग होते हैं इस दुनिया में, एक वो जो कॉल देखने के बाद कॉल बैक कर लेता है, और एक वो जो अबे छोड़ काम होगा तो खुद करेगा दोबारा, मैं नहीं करा। एक वो जो लड़कियों से टेक्स्ट पे बोलते रहते हैं हे प्लीज बात करो ना मुझसे, प्लीज रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई, और एक वो जो गलती से हाई भेज देते हैं फिर उसे अनसेंड कर देते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट पहले, मैंने भेजा। एक वो जो सुबह 6 बजे का अलार्म लगाते हैं करेक्ट, और दूसरे वो 5:30, 5:45 और फिर 6। एक वो जो सोचते हैं यार इसके साथ आके मैंने ना बहुत बड़ी गलती करी रिलेशनशिप में, दूसरे वो सोचते हैं अब यार दिन में सो लिया यार ये गलती हो गई अब रात को कैसे नींद। गुड, अब इतनी जरूरतमंद इन्फॉर्मेशन का हम क्या करेंगे।
अपर्चित टू लिखने का काम आएगी ये। वैसे अपर्चित से ज्यादा रोल तो ये भैया कर रहे हैं, कभी ये न्यूज रिपोर्टर बन रहे हैं, कभी ये मोरल साइंस के टीचर बन रहे हैं, कभी ये इन्फॉर्मेशन वाले भैया बन रहे हैं, कभी ये बोरिंग स्टोरी सुनाने वाले भैया बन रहे हैं। अरे करना क्या चाहते हो? नथिंग अगेंस्ट मोटिवेशनल चैनल गाइस, बट मोटिवेशन में और बेवकूफी में फर्क होता है। कुछ भी बोल देना इज नॉट मोटिवेशन। सो गाइस ये वीडियो सिर्फ फन के लिए था, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगा, और पसंद है तो शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।